नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं टेरेस फूड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लगाने वाले हैं गुलाब की कटिंग, और एक गुलाब की कटिंग से आप कितने सारे गुलाब के पौधे बना सकते हैं वो आपको आज दिखाएंगे हम लोग, और सब कुछ आपको प्रोसेस पूरा बताएंगे कि आप गुलाब की कटिंग के लिए मिट्टी कैसे तैयार कर सकते हैं और आप कैसे इसे ग्रो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों मिट्टी तैयार करने के लिए आपको तीन चीज़ मिलानी है। सबसे पहले तो गार्डन सॉइल लेनी है, उसके बाद आप लोग कोकोपीट ले सकते हैं, और फिर तीसरा स्टेप आप उसके अंदर डाल सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो अब ये तीन चीज़ें हमने ले ली और इनको हम लोग मिक्स करेंगे। तो इन्हें अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है, और इसी मिट्टी के अंदर हम लोग लगाएंगे अपनी रोज़ की कटिंग, गुलाब की कटिंग। ये वर्मी कंपोस्ट मिला रहे हैं हम लोग इसके अंदर। दोस्तों गुलाब की कटिंग तैयार करने के लिए हम लोगों ने ये छोटे छोटे ग्रो बैग ले रखे हैं पन्नी, ये आपको इजीली अपने सीड स्टोर से, नज़दीकी सीड स्टोर से उपलब्ध हो जाएगी, अवेलेबल होगी, तो आप जाके ले सकते हैं। इसके अंदर हम लोग गुलाब की कटिंग लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि एक महीने के अंदर आपकी गुलाब की जो कटिंग है वो कितनी बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों आज काफ़ी सारी कटिंग लगाने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, तो पूरी वीडियो को देखिएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों इस पन्नी के अंदर आज हम कटिंग लगाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हम ग्रो बैग के अंदर अब मिट्टी भर रहे हैं, जो हमारा ये पन्नी जो जिस पॉली पैक का हमने ग्रो बैग लिया है इसके अंदर जो हमने मिक्स कर रखी है मिट्टी उसको हम भरेंगे। और इसके दोस्तों आपको मिट्टी भरने से पहले एक बार ग्रो बैग के अंदर, जैसे कि ये पॉलीथीन हमने ले रखी है, अगर इसके नीचे होल नहीं हो रखा तो आपको होल कर लेना, जिससे कि पानी जो एक्सेस अमाउंट में हम दे देते हैं तो वो बाहर निकलने के लिए भी होनी चाहिए। अगर आप होल नहीं करोगे तो जो जड़ वगैरह रूट्स जो होती हैं पौधे की वो ख़राब हो जाएंगी ज़्यादा पानी लगने के कारण, तो इसलिए नीचे एक एक होल कर देना जरूर। इसके अंदर दोस्तों अब हम गुलाब की कटिंग लगाएंगे। ये रेड रोज़ है जो कि आज हम लगाने वाले हैं, लाल गुलाब की कटिंग लगाएंगे रूट निकलने में। तो हमें ये जो ये गुलाब की कटिंग ले रखी है इसको हम नीचे से छील लेंगे। छीलने से दोस्तों होता है कि जो इसकी रूट्स होती हैं वो जल्दी निकलती हैं और जल्दी पौधा ग्रो होता है। तो आपको भी इसी प्रकार से नीचे से रूट की रोज़ की कटिंग को छील लेना है। तो दोस्तों एलोवेरा जेल को इसके ऊपर लगाया जाता है, जिससे कि जो रूट्स होते हैं वो जल्दी से ग्रो कर जाते हैं जो रूट्स होते हैं, इसलिए इसके ऊपर एलोवेरा का पेस्ट लगाया जाता है, मतलब एलोवेरा का जो है जेल निकलता है अंदर से। तो जितनी भी आप मतलब कटिंग लगाएंगे उसके सबसे पहले तो आपको उसको छील लेना है नीचे से, और उसके बाद आपको उस पर एलोवेरा का जेल लगा देना है, कलम की तरह आपको लगा लेना है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं सारे जितने भी हम लगाएंगे आज की कटिंग सब पे हमने नीचे साइड को एलोवेरा जेल लगा लिया है। तो आपको मिट्टी को प्लास्टिक की इस पन्नी में ऊपर तक भर लेना है, उसके बाद आपको बीज को सेंटर में अपनी ये जो कटिंग है रोज़ की इसको लगा देना, और फिर उसको मिट्टी से अच्छी तरह से ऊपर तक फिल कर देना है, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए इसके जो ऊपर पत्ते लग रखे थे वो हमने तोड़ दिए हैं, जिससे कि नए पत्ते जल्दी से फॉर्म होंगे, क्योंकि अगर आप पुराने पत्तों को भी अगर लगा के लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है पर वो सूखेंगे ही, इससे बढ़िया तो आप अगर तोड़ के लगाओगे तो नए पत्ते जल्दी निकलेंगे। तो दोस्तों ये हमने तीन कटिंग लगाई हैं रोज़ की, अब इसको हम एक महीने बाद आपको दिखाएंगे कि ये कैसा हो चुका है और इसमें न्यू पत्ते आए कि नहीं आए। तो अब तीन महीने बाद मैं आपको एक महीने बाद आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक महीने बाद हमारा जो था पौधा वो अब काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग काफ़ी सारी लीव्स निकल रही हैं। ये कटिंग हमने एक महीने पहले लगाई थी, मैंने आपको बताया था कि एक महीने बाद दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हैं एक महीने बाद ये जो पौधा हमारा काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, प्लस इस पर काफ़ी सारी लीव्स आ रही हैं। तो अगर दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप भी इस प्रकार से अपने गार्डन में रोज़ की कटिंग लगा सकते हैं, आप चाहे तो इसकी कटिंग के ऊपर ग्राफ्टिंग करके किसी और रोज़ की भी कटिंग लगा सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।